अगर आपने ये एक्सरसाइज कर ली, अगर आपने कीगल एक्सरसाइज कर ली, तो ये आपकी ज़िंदगी बदल सकने वाली एक्सरसाइज है। जो लोग रेगुलरली कीगल्स करते हैं, जो मर्द रेगुलरली कीगल्स करते हैं, उनका सेक्स टाइम ज़बरदस्त, सीमन वॉल्यूम ज़बरदस्त, पेशाब का फ्लो ज़बरदस्त, इरेक्शन ज़बरदस्त, पेनिस में ब्लड ज़बरदस्त, पेनिस के अंदर लटकन आ जाएगी, पेनिस में वेन्स आ जाएगी, जिनको वीनोजेनिक ईडी है, 6 हफ्ते ढंग से कीगल्स कर लीजिए, आपका वीनोजेनिक ईडी ख़त्म हो जाएगा। जिनको आर्टेरोजेनिक ईडी है, दवाइयों के साथ में कीगल्स ऐड कर लीजिए, आपकी टडालाफिल की डोज कम। नमस्ते दोस्तों, तो हर मरीज़ जो मेरे पास आता है उसको मैं कीगल एक्सरसाइज करने के लिए बोलता हूँ, और हर मरीज़ को कीगल एक्सरसाइज में कन्फ्यूजन होती है। कीगल एक्सरसाइज वो एक चमत्कारी एक्सरसाइज है, जिसको हम हिंदी में अश्विनी मुद्रा भी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी के अंदर मूल बंध भी बोलते हैं। और कीगल एक्सरसाइज करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कीगल एक्सरसाइज को समझना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। कीगल एक्सरसाइज आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है इस एक्सरसाइज के अंदर। ये आपके पॉटी का रास्ता है, इसके पॉटी के रास्ते को आपको भींचना है और अंदर की ओर खींचना है और फिर छोड़ना है। पॉटी के रास्ते को भींचना है, अंदर की ओर खींचना है और छोड़ना है। लेट के, बैठ के, कामसूत्रा की पोजिशन बना के, कोई टॉयलेट में जाके पेशाब रोक रहा है, कोई टट्टी रोक रहा है, कोई मतलब अलग अलग पोजिशन बना रहा है, कुछ नहीं है। कीगल एक्सरसाइज को बहुत सिंपल, आइए मेरे साथ कीजिए। आप बैठे हैं कहीं भी ऑफिस में बैठे हैं, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप घड़ी देख लीजिए, आपके पीछे आपका पॉटी का रास्ता है। आप सोचिए आपको बहुत तेज़ मल आया है, बहुत तेज़ पॉटी आई है और आपको रोकना है, कैसे रोकेंगे? अपने पॉटी के रास्ते को टाइट करेंगे, अंदर की ओर खींचेंगे, रोक के रखेंगे, छोड़ देंगे। पॉटी के रास्ते को टाइट करेंगे, अंदर की ओर खींचेंगे, रोक के रखेंगे, छोड़ देंगे। इसको जब आप खींचेंगे, जब टाइट करेंगे, तो उस समय ना तो आपके छाती के मसल्स, ना आपकी सांस के मसल्स, ना आपके बटक्स के मसल, ना आपके इनर थाई के मसल्स, कोई मसल्स यूज़ नहीं करने हैं। शरीर टाइट नहीं करना, बॉडी को नहीं हिलाना, कुछ नहीं। बस आप बैठे हैं, चुपचाप पॉटी के रास्ते को टाइट करेंगे, अंदर खींचेंगे, छोड़ेंगे। अगर आपने ये एक्सरसाइज कर ली, अगर आपने कीगल एक्सरसाइज कर ली, तो ये आपकी ज़िंदगी बदल सकने वाली एक्सरसाइज है। जो लोग रेगुलरली कीगल्स करते हैं, जो मर्द रेगुलरली कीगल्स करते हैं, उनका सेक्स टाइम ज़बरदस्त, सीमन वॉल्यूम ज़बरदस्त, पेशाब का फ्लो ज़बरदस्त, इरेक्शन ज़बरदस्त, पेनिस में ब्लड ज़बरदस्त, पेनिस के अंदर लटकन आ जाएगी, पेनिस में वेन्स आ जाएगी, जिनको वीनोजेनिक ईडी है, 6 हफ्ते ढंग से कीगल्स कर लीजिए, आपका वीनोजेनिक ईडी ख़त्म हो जाएगा। जिनको आर्टेरोजेनिक ईडी है, दवाइयों के साथ में कीगल्स ऐड कर लीजिए, आपकी टडालाफिल की डोज कम हो जाएगी। जिनको पेशाब में दिक्कत है, यूरिमैक्स लेना बंद हो जाएगा, प्रोस्टेट का साइज़ ठीक हो जाएगा, पॉटी बढ़िया आएगी, पेट सही साफ होगा, गैस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ये इतनी सॉलिड एक्सरसाइज है। कीगल एक्सरसाइज काम कैसे करती है? बड़ा सिंपल है। जब आप पॉटी के रास्ते को टाइट करते हैं, तो आप सिर्फ पॉटी के रास्ते को नहीं कर रहे, जो पॉटी के रास्ते, पेशाब के रास्ते, हमारे जो प्रोस्टेट के आसपास की जो मसल्स है, जिनको हम लेवेटर एनाई बोलते हैं, लेवेटर एनाई मसल को पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलीज़ करती है। इस एक्सरसाइज को करने से नीचे के एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, वीनस लीक बढ़ जाता है, कम हो जाता है, वॉल्व रिपेयर हो जाते हैं, नसें फ्री हो जाती है। अगर कोई नसें ट्रैप्ड है, कोई प्रोस्टेट के अंदर कोई गुदा भरा पड़ा है, जो सेमिनल वेसिकल्स में गंद भरा पड़ा है, जहाँ पर लोगों को कई समय से कॉन्स्टिपेशन है, नसें है, सबकी सब ओके हो जाती है। और उसका फ़ायदा आपको आपकी सेक्स लाइफ में, आपके पेशाब में, आपके मल में, आपके पॉटी में मिलता है। तो आइए मैं आपको फिर से कीगल एक्सरसाइज कराऊँ, आइए मेरे साथ कीजिए। आप बैठे हैं, आपने अपने पॉटी के रास्ते को भींचना है, अंदर की ओर खींचना है, 30 सेकंड रोकना है, फिर छोड़ना है। पहले 10 सेकंड करेंगे, आप बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, रिलैक्स होके, कोई मसल कोई जल्दी नहीं है, कुछ नहीं करना है। पॉटी के रास्ते को आपने होल्ड किया, टाइट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छोड़ दिया, फिर टाइट किया, खींचा अंदर, 1, 2, 3, 4, 5 छोड़ दिया। तो नॉर्मल आदमी जब आप कीगल एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, तो ये जो टाइटनेस है, ये मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड होल्ड कर पाएगा। हमको इसको 15 सेकेंड से 60 सेकेंड तक लेके जाना है, एकदम नहीं हो पाएगी। अगर आपका मांसपेशियां कमज़ोर है, तो आपको 15 सेकेंड से 1 मिनट जाने में कम से कम 6 हफ्ते लगेंगे। पेशेंट आते हैं, सर मैंने कीगल एक्सरसाइज बहुत करी,
घंटा नहीं करी। कीगल एक्सरसाइज ढंग से करोगे तो आपको फ़र्क आना ही आना है। जो मैंने बताया आपको, इसको बोलते हैं लॉन्ग होल्ड। लॉन्ग होल्ड मतलब कि आपने होल्ड किया, टाइट छोड़ा और उसके बाद इसको गिना, 60 सेकंड तक किया। ये आपका एक, जो आपने 60 सेकंड किया वो एक रेपिटेशन है। आपको ये 5 बार करनी है तो एक सेट बनता है, और आपको इसको दिन में 3 बार करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मॉर्निंग में 5 बार किया ऐसे, आफ्टरनून में 5 बार किया ऐसे, और फिर रात को सोने से पहले 5 बार किया ऐसे। लॉन्ग होल्ड से जो नीचे के मसल स्ट्रांग होते हैं, आपकी सेक्स पावर बढ़ती है, आपकी टाइमिंग बढ़ती है, आपको पेशाब में फ़ायदा होता है और आपको मल निकास में फ़ायदा होता है। दूसरा पार्ट है क्विक फ्लिक्स। क्विक फ्लिक्स कैसे है? टाइट किया छोड़ दिया, टाइट किया छोड़ दिया, टाइट किया छोड़ दिया, टाइट किया छोड़ दिया, टाइट किया छोड़ दिया। क्विक फ्लिक्स में आपको होल्ड नहीं करना है, आपको अपने मसल को फास्ट एक्सरसाइज करानी है। जो आपके मसल के जो फास्ट ट्विच फाइबर्स है उनको वर्क करना है। तो क्विक फ्लिक्स भी आपको एक सेट, मतलब उसमें 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 बार हुआ, ये हुए आपके 10 बार। ये आपको 10 बार, फिर 3 बार दिन में। तो 5 बार लॉन्ग होल्ड और 10 बार क्विक फ्लिक्स का एक रेपिटेशन, एक सेट दिन में 3 बार करेंगे। धीरे धीरे आप टाइमिंग बढ़ाएंगे, अपनी स्पीड बढ़ाएंगे और आपको इसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा। इस एक्सरसाइज को आपको रोज़ नहीं करना है, आपको इसको 5 दिन करना है, फिर 2 दिन का रेस्ट देना है। क्योंकि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे मसल कमज़ोर हो जाता है। तो कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको आपको लगातार नहीं, 5 दिन करेंगे फिर 2 दिन का रेस्ट, 5 दिन करेंगे 2 दिन का रेस्ट। इस एक्सरसाइज को आज से स्टार्ट कीजिए, चाहे आपने मुझे दिखाया है या आपने मुझे नहीं दिखाया है। अगर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, पेशाब का, पॉटी का, CPPS का, पेल्विक फ्लोर का कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इस एक्सरसाइज को अपने व्यायाम शेड्यूल में डालिए। आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा, अपने सेक्सुअल लाइफ में भी, अपनी यूरिनरी लाइफ में भी। ये एक्सरसाइज डिफ़िकल्ट नहीं है। कीगल एक्सरसाइजेस के नाम पे कई डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स बताते हैं। कीगल एक्सरसाइज जो ओरिजिनल कीगल एक्सरसाइज है वो सिर्फ इतनी ही है। इसके बाद एडवांस्ड कीगल्स है या पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन है, जिसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड की एक्सरसाइजेस, पेट की एक्सरसाइजेस, मल द्वार की एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचेस, कंट्रैक्शंस, वेट्स सब है। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट है या हमारे जिम के भाई लोग हैं जिनको उनके जिम ट्रेनर्स अलग अलग एक्सरसाइजेस सिखा रहे हैं, वो भी कीगल्स का पार्ट है। पर अगर आपने वो सब कर ली पर ये बेसिक एक्सरसाइज भूल गए तो वो सारी एक्सरसाइज करना वेस्ट है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो आज से प्रण लेंगे कि हम अपनी लाइफ में कीगल्स को ऐड करेंगे, इसको ढंग से करेंगे और अपनी सेक्सुअल लाइफ को इम्प्रूव करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में आपका दोस्त और आपका एंड्रोलॉजिस्ट, जो मेंस हेल्थ को लेकर लेटेस्ट जानकारी आप तक हमेशा पहुँचाता रहता हूँ और जो चाहता हूँ कि आप एक अच्छी सेक्सुअल ज़िंदगी जिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।